सभी लोगों को एमएचई, आप एमएचई नहीं जानते, एमएचई क्या होता है? एमएचई होती है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इससे पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ एमएचई क्या है। एमएचई में कौन कौन सी गाड़ी आती है, जैसे बीओपीटी आती है हमारी, एचओपीटी आती है, देन फोरलिफ्ट आती है और हाईविच आती है। आज मैं आपको, इससे पहले मैं आपको बीओपीटी के बारे में बता चुका हूँ, एचओपीटी के बारे में बता चुका हूँ, फोरलिफ्ट के बारे में बता चुका हूँ। आज जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है हाईविच। हाईविच, हाईविच का काम हमारा कहाँ होता है, किस जगह में होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हाईविच का काम हमारा, हाईविच कहाँ यूज किया जाता है, हाईविच का काम हमारा होता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस में हाइट में कोई चीज रखी हो उसे उतारने के लिए या वहीं रखने के लिए, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान में अप एंड डाउन में रखने के लिए हम हाईविच का प्रयोग करते हैं। हाईविच का प्रयोग आपको बता दिया है, और अब मैं आपको हाईविच के बारे में फ्री ड्राइविंग कैसे किया जाए, विजुअल चेक कैसे कैसे करने चाहिए, जिस प्रकार हम फोर लिफ्ट में फ्री ड्राइव करते हैं या जिस प्रकार विजुअल चेक करते हैं, उसी प्रकार हम हाईविच में भी करेंगे। विजुअल चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विजुअल चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें विजुअल चेक करने के लिए हाईविच के चारों तरफ एक राउंड लेना पड़ेगा। एक राउंड हम इस प्रकार से लेंगे, हमने सबसे पहले हमें अपने हाईविच में विजुअल चेक करने के लिए और फ्री ड्राइव करने के लिए क्या क्या करना है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। देन की कहीं से लीकेज, कहीं से भी हमारे कोई भी होज लीकेज तो नहीं हो रहा या कंट्रोल वाल्व हो, देन कुछ भी हो। सेकेंडली हमारे फोर कहीं से बैंड तो नहीं है, कहीं से रबिश तो नहीं है। थर्डली हमारे कैरिज कितनी प्रॉपर है, एंड हमारी गाड़ी में ग्रीसिंग और ऑयल प्रॉपर है, ये तो हमने हो गया। देन टायर लोड बिल, जो हमारे टायर हैं ज़्यादा रबिश तो नहीं है। अगर देखिए हमारे टायर ज़्यादा रबिश होंगे तो वो जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ सर्फिस करेंगे, मतलब फिसलेंगे और हम सही प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई आज की हमारी विजुअल चेक, किसके लिए, हाईविच के लिए। देन फ्री ड्राइव, जैसे ही हम ड्राइव गाड़ी में बैठेंगे सबसे पहले हम गाड़ी में सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें आफ्टर बिफोर ड्राइविंग से पहले क्या क्या, हम पार्किंग ओपन करेंगे, देन गाड़ी ऑन करेंगे। गाड़ी ऑन करने के बाद सबसे पहले हम क्या, इसकी ब्रेक की परफॉर्मेंस देखेंगे। हम गाड़ी को थोड़ा सा
गुरु जी ये तो 3 मिनट की बननी है, 3 मिनट 5 मिनट की।